हाँ, आज मैंने भाई अमृतपाल सिंह जी से मुलाकात की है। मैं उनका लीगल काउंसल हूँ और जो परमिशन जो दी हुई है उन्होंने होम डिपार्टमेंट ने मेरे को लीगल काउंसल के तौर पर ही उन्होंने परमिशन दी है। तो जो पिछली दफ़ा ये एपिसोड हुआ है उसके बारे में भी वृतांत हुआ, विस्तार से बात हुई और उसमें उन्हें भाई अमृतपाल सिंह ने उन्होंने तो बताया कि इन्होंने जो है कौन थे वो लोग जिन्होंने वहाँ पर खुफिया कैमरे, इनको सीआईडी कैमरा कहते हैं, इनकी जो बैरक है उसमें फिट कर दिए और जहाँ तक के बाथरूम में भी जो वो सीआईडी कैमरा थे वो फिट कर दिए गए और उन्होंने आके उनको सभी को वहाँ पे देख लिया कि सीआईडी कैमरा है और उनको उन्होंने वहाँ से इनको जेल ऑफिशल को बुलाकर उनको कहा कि ये सीआईडी कैमरा है, बाथरूम में भी फिट कर दे, हमारी प्राइवेसी जो है वो प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उस प्राइवेसी को चैलेंज कर रहे हैं और ये खुफिया कैमरे जेल ऑफिशल की नॉलेज के बगैर ही वहाँ पर फिट कर दिए गए। तो जेल ऑफिशल ने माना कि ये वो कैमरे हैं और बाद में जब ये एपिसोड जो है बाहर आ गया तो उल्टा उसमें 200-300 जो थे पुलिस के कर्मचारी आए बाहर से और उन्होंने जाली तौर पर कि जी इनसे स्मार्टफोन है, एक वॉच मिली है, वो सब फर्जी बात थी, कोई स्मार्टफोन नहीं था और जो वॉच थी वो तो 20 रुपये की वॉच थी, वो किसी में कोई बच्ची आई थी और मिलने आपके तो उसमें दी थी, उन्होंने जेल में ऑफिशियल जिन्हें कहा था जी जहाँ पर भूल गए हैं आप रख लें, तो कोई भी उसको उल्ट रिवर्स डायरेक्शन में उसको दे दिया। और 16 तरीक को इसका जो फरवरी थी, 16 फरवरी तो इन्होंने एक लेटर लिख लिया, उस लेटर पे जितने एनएसए के अधीन जो हैं ये बंदी हैं जिनको डिटेन किया हुआ है उन्होंने दस्तखत किए, उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ऐसे खुफिया कैमरे मिले हैं, वो सारे मिले हैं, हमने वो उतार लिए हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने सब उसमें लेटर में लिखकर सुप्रिंटेंडेंट जेल को दिया गया, तो उन्होंने उनको 17 तारीख को वापस कर दिया कि इसको हमने भेज दिया है टू डीसी अमृतसर, तो उसकी कापी जो थी मोहर लगा कर वापस कर दी कि 16 को ये शिकायत की है, तो 17 को आकर ये 200 जनों ने कह दिया कि हमें 17 को ये स्मार्टफोन मिल गया, हमें ये मिल गया, वो जो जितनी डिवाइसेज मिली थी वो तो 16 को ही उन्होंने कर दिया था, ये 16 तारीख को ही उन्होंने लेटर में लिख दिया था, तो 17 तारीख को वो कहाँ से मिल गई। तो ये बात जो थी ये फर्जी बनाई हुई थी। तो इसके बारे में अब जो है वो हंगर स्ट्राइक चल रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बसंत सिंह है जो डिटेन्यू है, जिसको डिटेन किया गया है बसंत सिंह, उसने पानी पीना भी बंद कर दिया, इसलिए किया कि ये जाली बना रहे हैं, बाथरूम में भी लगा रहे हैं, ये हमारे पे खुफिया कैमरे लगा रहे हैं, जितनी इतनी इनकी है कि जेल के ऑफिसर को बिना बताए ये काम कर रहे हैं, तो कल को हमारे तो रोटी में जहर दे सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, मगर जब हम मरना पंजाब की भूमि पर चाहते हैं जहां पर तो ज्यादती है। तो असम के लोग बहुत अच्छे हैं उसमें कोई बात नहीं, पर बात है कि पंजाब गवर्नमेंट है वो ऐसी हरकतें कर रही है, ऐसी हरकतें में यदि हमने मरना है तो हमें पंजाब की जेल में तब्दील किया जाए, किसी जेल में रख लिया जाए, पंजाब की जेल में, हम वहाँ मरने के लिए भी तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। नहीं, जबरदस्त नाराजगी है, बात तो जहाँ तक पहुँची है, जो दूसरा कुलवंत सिंह राउंड के है उसको 17 तारीख को उसको मिर्गी का दौरा, एपिलिप्स कहते हैं जैसे, उसका दौरा पड़ा था, उससे उसकी जीभ भी काटी गई है, कुलवंत सिंह राउंड के। और बसंत सिंह की हालत जो है वो बहुत सीरियस है, और हरजीत सिंह है एक जो के चाचा हैं, अंकल हैं,
इनके भाई अमृतपाल सिंह खालसा के, उनकी शुगर कम होनी शुरू हो गई है, शुगर के मरीज हैं, इसलिए बड़ी सीरियस कंडीशन में है, बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अमृतपाल सिंह की हुई है? हाँ, आज हुई है। क्या आपने कोई लेटर दिया, आपने कोई चिट्ठी दी आपको? नहीं, वो लेटर जो उसका मोहर लगा वो फोटोस्टेट कराने गए हैं। हाँ, वो लेटर ले कर आ रहे हैं। वो लेटर अमृतपाल ने दिया है? हाँ हाँ, उन्होंने दिया है। हाँ, वो उन्होंने 16 तारीख को जो डीसी को, जो जेल अथॉरिटी तो दिया था, वही इन्होंने डीसी को भेज दिया। उन्होंने जेल अथॉरिटी ने अपनी मोहर लगा कर दिया कि हमने भेज दिया, ये उनके फिट है, वो फोटो सेट कराने गए हैं।